जाओ। आपने बुलाया मुझे? हाँ, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, बैठो ना। गुड न्यूज? तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर मैंने ये तय किया है कि अगले महीने जो डांस शो होने वाला है उसका इंचार्ज तुम रहोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वो मेहर ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था उसका क्या हुआ? हाँ, घर के सारे लोग उस बारे में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और उसके साथ साथ तुलसी के बारे में भी तो सोचना है। तुलसी के बारे में? मैं समझी नहीं। अब जाने दो पायल, तुलसी के बारे में सोच के मुझे बहुत दुख होता है। चाची, आपने भले ही मुझे अपने से अलग रखा हो लेकिन मैं आपको अपना मानती आई हूँ। बताइए ना क्या बात है। अब क्या बताऊँ पायल, एक्चुअली बाबूजी तुलसी का दूसरा घर बसाना चाहते हैं। मतलब तुलसी की दूसरी शादी। लेकिन मैं जानती हूँ तुलसी इस बात के लिए राजी नहीं होगी, लेकिन क्या करें, हम तुलसी को विधवा की जिंदगी बिताते हुए देख नहीं सकते ना। हाँ, आप चाहे तो मैं उससे बात करूंगी, समझाऊंगी उसे। पायल, तो बहुत अच्छी हो, इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम हमारे लिए इतना सोचती हो। चाची, मैंने आपसे कहा ना, मैं आप सबको अपना ही मानती हूँ और अपनों के बारे में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, चाहिए ना? बचे हैं वजीर, ये कब तक बचेंगे? हेलो हेमंत, हाय, मैं पायल बोल रही हूँ। आओ, कैसे हो तुम? पायल, ऐसी भी कौन सी बात है कि तुमने मुझे इतना अर्जेंटली फोन करके बुलाया? पहले आराम से बैठो तो सही। प्लीज हैव अ सीट। क्या लोगे, चाय कॉफी ठंडा कुछ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले काम की बात करो कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। हेमंत, जरा ये फाइल देखना। पायल, पायल, ये फाइल तुम तक कैसे पहुंची? टेल मी पायल। रिलैक्स हेमंत, मैं सब बताती हूँ। क्या है कि मल्होत्रा ग्रुप ऑफ फाइनेंस कंपनी ने वीरानी इंडस्ट्रीज को 2.5 करोड़ का लोन दिया था, जिसके सिक्योरिटी के अगेंस्ट ये डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। वो सब तो ठीक है, तुम ये बताओ कि ये फाइल तुम तक कैसे पहुंची? Because I am one of the directors of Malhotra Finance Company. What? कल जब मैं 2.5 करोड़ का डिटेल्स चेक कर रही थी तो मुझे वीरानी इंडस्ट्रीज के सिक्योरिटी के अगेंस्ट शांति निकेतन के ये डॉक्यूमेंट्स मिले। और जब वीरानी इंडस्ट्रीज का नाम आता है तो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है।
गुडविल काफी है। हेमंत, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें ये पेपर्स वापस कर सकूं। इट्स योर्स। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ये फाइल मैं तुम्हारे ब्रीफकेस में रख देती हूँ। हाँ ठीक है। क्या जेडी, चाय ठंडी हो रही है और तुम इतनी देर तक कंघी करोगे तो जो भी बाल बचा है ना वो भी झड़ जाएगा। गायत्री, जब भी मैं पापा ये फाइल देखिए। क्या है इस फाइल में? देखिए ना हेमंत, हेमंत ये फाइल तो मल्होत्रा फाइनेंस को बतौर सिक्योरिटी के तौर पे जो दी थी वो है। यस। लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई? पापा ये फाइल मुझे पायल ने वापस की है। पायल ने? हाँ मम्मी। लेकिन हेमंत ये फाइल पायल तक पहुंची कैसे? पायल मल्होत्रा फाइनेंस की डायरेक्टर है। हाँ, मुझे भी ये आज ही मालूम हुआ। और पायल को भी ये नहीं मालूम था कि ये फाइल सिक्योरिटी के तौर पर मल्होत्रा फाइनेंस को दी गई है। लेकिन जैसे ही उसे मालूम पड़ा उसने मुझे पर्सनली बुलाकर ये फाइल वापस लौटा दी और कहा कि वीरानी इंडस्ट्रीज का तो गुडविल ही काफी। अंकल, अंकल ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है। आरती, मुझे ये जानना है कि तुमने पायल से फाइनेंस क्यों लिया? क्या बात है अंकल, मेरे को समझी नहीं। भाभी, पायल ने फाइल वापस दी है। क्यों? भाभी वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पापा, भाभी ने फाइनेंस किससे लिया इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हमें फाइनेंस टाइम पर मिल गया, इंपॉर्टेंट ये है। हेमंत, मुझे ये जानना है कि हम सबको मालूम है कि उस लड़की ने हमारे साथ क्या किया है, उसके बावजूद भी उसके पास से फाइनेंस लेने की क्या जरूरत थी? पापा, वो पहले की बात थी, लेकिन इस वक्त तो मैं यही कह सकता हूँ कि जो कुछ मैंने महसूस किया है, जो कुछ मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे लगता है कि पायल बदल गई है। मुझे नहीं लगता। पापा, अगर पायल चाहती तो इस फाइल के जरिए शांति निकेतन सील करवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने मुझे पर्सनली बुला के फाइल वापस लौटा दी। इसलिए मुझे लगता है कि पायल सच में बदल गई है। हाँ हेमंत, मैं भी जानती हूँ पायल अब पहले जैसी नहीं रही। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आरती, तुमने ये ठीक नहीं किया। मैंने कुछ गलत भी नहीं किया। जब तुम अच्छी तरह से जानती थी कि मल्होत्रा फाइनेंस में पायल की इन्वॉल्वमेंट है तो तुमने पायल से फाइनेंस लिया क्यों? तुम्हें मालूम है ना वीरानी परिवार में और पायल में क्या रिश्ता है। फिर भी किरण, पायल मेरी या वीरानी खानदान की दुश्मन नहीं है। अगर वह दुश्मन होती तो वह हमारी मदद कभी नहीं करती। उसे पता था कि हमारी सिचुएशन क्या है, फिर भी उसने हमारी मदद की। उस पर थोड़ा तो भरोसा रखना चाहिए। लेकिन उसने मीर भैया और तुलसी भाभी के साथ क्या क्या किया था, ये कैसे भूल गई तुम? आज वही तुलसी भाभी पायल को अपना दोस्त मानती है। उसने क्या किया ये भूल जाओ, वो हमारे लिए क्या कर सकती है इसके बारे में सोचो। हाँ, वो तो बहुत कुछ कर सकती है, और स्पेशली जब उसके पास शांति निकेतन की फाइल है तो वो कुछ भी कर सकती है, अपना बदला भी ले सकती है। मगर उसने ऐसा नहीं किया। क्या मतलब? मतलब उसने हेमंत भैया को फाइल लौटा दी है, और वो भी बिना किसी शर्त के। क्या, पायल ने हेमंत को फाइल वापस कर दी? हाँ किरण, पायल बहुत कुछ कर सकती थी लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। It's strange. I don't believe it. पायल ऐसा कर सकती है? इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव? खैर, इस लोन के बहाने मीर भैया का प्रोजेक्ट तो शुरू हुआ। हाँ किरण, मीर भैया ने बहुत दूर की सोची थी। देखो ना, आज प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट भी हो गया। हाँ आरती, अब हमें मीर भैया के इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है और मीर भैया के सपने को पूरा करना है, राइट? चलो।